अयोध्या में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या के दौरे पर रहे। मौका था पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती के हिंदू धाम के महंताई का। इससे पूर्व भाजपा नेता विशाल मिश्र की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री श्री पाठक का बड़े पैमाने पर उमड़े नौजवानों के द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। विशाल मिश्र ने बताया कि इसके बाद श्री पाठक हिंदू धाम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद उप मुख्यमंत्री विशाल मिश्र के साथ रामकोट स्थित महंत जयराम दास के श्री राम आश्रम में गए, जहां न्यायालय ने जब से भगवान विशेश्वर जी को ज्ञानवापी मंदिर में उत्पत्ति को माना, तब से ही ज्ञानवापी मंदिर में पूजन अर्चन बंदन बंद है और जब तक ये पूजन चालू नहीं होता तब तक के लिए ज्ञानवापी मंदिर के विशेश्वर जी का प्रतिलिंगात्मक मंदिर अयोध्या धाम में श्री राम आश्रम के प्रांगण में स्थापित किया गया। 5 अगस्त को भगवान विशेश्वर जी की मंदिर उद्घाटन एवं भगवान विशेश्वर जी का राजोपचार पूजन अभिषेक प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त को 370 धारा समाप्त हुई। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन शिलान्यास किया और 5 अगस्त को ही हिंदू धाम का शिलान्यास हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी ने किया था। 5 अगस्त को मोरोपंत पिंगले जी ने, अशोक सिंघल जी ने इसका भूमि पूजन शिलान्यास किया था। इसलिए मैं भी 5 अगस्त के दिन अपने योग्य उत्तराधिकारी डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती को वशिष्ठ पीठाधीश्वर पद पर स्थापित कर रहा हूँ। और माननीय अशोक सिंघल जी ने मोरोपंत पिंगले जी की उपस्थिति में, पूज्य महंत अवेदनाथ जी की उपस्थिति में किया था। इसके मुख्य संस्थापक पूज्य महंत अवेदनाथ जी हैं। इसका नामकरण पूज्य महंत अवेदनाथ जी ने और अशोक सिंघल जी ने मोरोपंत पिंगले जी ने किया था। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।